कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे में सलमान खुर्शीद ने एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे लगे हैं। अपने बयान पर पार्टी की फजीहत होने के बाद सलमान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी राय थी। कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते मैंने अपनी पोजीशन का बचाव किया। मैंने खून के दाग पार्टी नहीं, मैंने अपने हाथ पर लगे होने की बात कही थी। छात्र आमिर मिंटोई ने खुर्शीद से दंगों और बाबरी मस्जिद पर सवाल किया तो आयोजकों ने छात्र को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सलमान खुर्शीद ने कहा कि इन्हें सवाल करने दीजिए, हालांकि ये राजनीतिक प्रश्न है। इसके बाद छात्र ने सवाल किया। 1948 में एमयू एक्ट में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसमें मुस्लिम दलितों से एसटी एससी आरक्षण का हक छीना गया। इसके बाद हाशिमपुरा, मलियाना, मुजफ्फरनगर आदि में मुसलमानों का नरसंहार हुआ। साथ ही बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाना, बाबरी मस्जिद में मूर्तियों को रखना और फिर बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये सब कांग्रेस की सरकार में हुआ। इन सारी घटनाओं का हवाला देते हुए आमिर ने खुर्शीद से पूछा कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के जो धब्बे हैं, इन धब्बों को आप किन अल्फाजों से धोएंगे? 1948 में एमयू एक्ट में पहला अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद हाशिमपुरा, मलियाना, मुजफ्फरनगर और पूरी लंबी लिस्ट है सर राइट्स की कांग्रेस रिजीम में। और उसके बाद सर बाबरी मस्जिद के दरवाजों का खुलना, उसमें मूर्तियों का रखना, देन बाबरी मस्जिद की शहादत जो कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ, तो ये तमाम जो खून के धब्बे कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के हैं, इन धब्बों को आप किन अल्फाज के साथ धोएंगे वो प्लीज? अच्छा, आपका नहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हमारे दामन के खून के धब्बे हैं, हमारे दामन कांग्रेस का भी हिस्सा होता है, मुझे मान लीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। नहीं बता रहा हूँ ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे, तुम बार इन पे करोगे धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो, और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले।